बुजुर्ग वृद्ध महिला की हत्या का खुलासा। 90 वर्षीय स्नेहलता शर्मा उर्फ सैल शर्मा की हत्या के खुलासे पर पोता गिरफ्तार। छापड़ से वृद्ध महिला के शरीर पर 4 जगह हमला कर उतारा था मौत के घाट। वृद्ध महिला की हत्या के बाद नया सिम खरीदकर पोते ने रची खुद को बचाने की साजिश। 2 दिन पहले ही सीतापुर से लखनऊ अपनी दादी के घर आया था मानस उर्फ कंटू। हत्या के बाद चापड़ को नदी के पास लगाया ठिकाने, फिर खरीदा था नया सिम कार्ड। सीतापुर भागने की फिराक में था तभी पुलिस ने आरोपी मानस उर्फ कंटू को कर लिया गिरफ्तार। अलीगंज थाना क्षेत्र स्थित त्रिवेणी नगर के योगी नगर इलाके में बीती रात हुई थी घटना। लखनऊ से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र अलीगंज में कल पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिलती है कि एक 90 वर्षीय एक महिला है जिनका नाम शैल कुमारी है, उनका कोई मर्डर हो गया है उनके घर में। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है, देखती है कि वहां पर उनकी बॉडी जो है वहां पर पड़ी हुई है, वहां पर काफ़ी सारा खून है मौके पर मौजूद है। वहां पर उनके बेटे थे जो वहां पर मौके पर मौजूद थे। तत्काल पुलिस जो है बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है, तहरीर लेती है और मुकदमा लिखती है। इसके बाद जो जो घटना में जो अभियुक्त हैं उनको उनकी तलाश में निकलती है आसपास के जो सीसीटीवी फुटेजेज हैं और सर्विलांस की मदद से। अंततः पुलिस को कुछ वाइटल क्लूज मिलते हैं जिसके आधार पर जो महिला के जो जो सगा पोता होता है जिसका नाम मानस रहता है, उम्र लगभग 22 वर्ष है, उसको पुलिस हिरासत में लेती है, उससे कड़ाई से पूछताछ करती है तो वो जुर्म इकबाल करता है। मानस ये विगत 2 दिनों से ये वृद्ध महिला के साथ में ही था और फिर इसको ये नशे करने का आदी था और इसको नशा करने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत थी तो इसने पैसे मांगे। उसको लगा कि दादी के पास पैसे होंगे बट दादी के पास पैसे नहीं थे और फिर उसी में कहासुनी हुई और कहासुनी के दौरान आक्रोश में आवेश में आकर के इसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। जिस आला कतल जिस बाके से इसने घटना को अंजाम दिया वो आला कत्ल भी पुलिस ने बरामद किया है पक्के पुल के पास से। इसने ये पूरा जो इसका जो कृत्य है इसने केवल इसका मोटिव ये था कि मुझको यहाँ से कुछ पैसे मिल जाएंगे, दादी के पास जो कुछ पैसे होंगे उस पैसों से मैं नशा पानी करूँगा। उसके बाद ये घटना करने के बाद तत्काल भागने की फिराक में था, पुलिस ने इसको पकड़ लिया है और हिरासत में लिया, गिरफ्तारी किया और फिर आज इसको माननीय न्यायालय के समक्ष इसको प्रस्तुत किया जाएगा। आगे की जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। सर, इसमें कहां से जो कंगन और रुपए बरामद हुए वो महिला के पास थे जो वो धीरे धीरे करके, क्योंकि उनकी कोई सोर्स ऑफ इनकम थी नहीं, वो धीरे धीरे करके वो पैसे सेव करती थी जो उनको पैसे मिलते थे और वही पैसा ये लेकर के चला गया था। ये रहने वाला कहां पे है? ये मूलता ये लोग सिंधौली जनपद सीतापुर के रहने वाले। इनके साथ नहीं रहता था, ये आता जाता रहता था। यहाँ पर ये 2 दिन से इसी मकान में था महिला के साथ। कंगन हाँ, जो उसमें जो कंगन पहने हुए थे वो भी पुलिस ने बरामद किया है इसके पास से। और वो कंगन भी जो है वो मिश्रित धातु का था, वो सोने का कंगन नहीं था, वो गोल्ड नहीं था, वो भी पुलिस ने बरामद किया है मौके से। उनको अभी जैसा कि मैंने कहा कि अभी जस्ट इसको हिरासत में लिया गया, इन्वेस्टिगेशन अभी अपने इनिशियल फेज में है। आसपास जो हम लोगों ने देखा था उस घर में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, आसपास के जो कैमरे हैं उनको उनको खंगाला जा रहा है। निश्चित तौर पर आस पड़ोसियों ने जो है इसको जाते हुए देखा था और वो समय और टाइम ऑफ डेथ वो भी मैच कर रहा है। इसके बारे में अभी जानकारी की जा रही है कि सर्वे में नाम था या नहीं था, बट ये यहाँ पर एक बात जो प्रमाणित हुई है कि यहाँ पर इस घर में ये अकेले रहती थी और घटनास्थल निरीक्षण के बाद तत्काल ये बात तो समझ में आ गई थी कि घर वाला ही कोई इसमें इन्वॉल्व है। और इस तरह के जो क्राइम्स होते हैं जो घर वाले करते हैं उसको उनके ऊपर अंकुश लगा पाना बहुत कठिन है, बिकॉज उसमें कोई बाहरी एलिमेंट नहीं इन्वॉल्व होता। यदि घर का कोई सदस्य जो है किसी तरह की घटना को अंजाम देता है तो वो पुलिस के लिए उसको रोक पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि उसमें घर वाले इन्वॉल्व हैं। सर, ये पूरी घटना के बाद जैसा बता रहे हैं आप कि आप जो है लगातार इसमें टीवी लगाए थे,
जी हाँ, इसने सिम अपना तत्काल घटना के बाद इसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके एक दूसरा सिम ले लिया था, लेकिन हमारी क्राइम टीम और जो सर्विलांस टीम है और जो थाने की टीम है, इसने सभी ने मशक्कत करके और प्रयास करके इसको गिरफ्तार किया है। जो गिरफ्तारी जिस टीम ने किया है, और ये सेंसेशनल मर्डर का 24 घंटे के अंदर सफल अनावरण हुआ है, इसके लिए हमारी तरफ से जो टीम है उसको 15,000 का नगद पुरस्कार दिया जाता है। जैसा मैंने बताया है कि ये इसकी अलबाई थी, ये कहीं नहीं, अगर इसको जाना ही होता तो चला जाता, बट ये कहीं गया नहीं, ये अलबाई बता रहा था कि मुझे देहरादून जाना है, जबकि हकीकत ये थी कि इसको कहीं नहीं जाना था। और क्या कुछ सर इसके पास से बरामद हुआ? जैसा मैंने बताया, एक मोबाइल फोन इसका है, प्लस इसके पास से कुछ नशे की कुछ सामग्री बरामद हुई है, प्लस इसके पास से एक डायरी बरामद हुई है, और इसके पास से ये दो कंगन बरामद हुए। अभी ये तो डॉक्टर चिकित्सक का विषय है, इसके ऊपर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं, बट तरह तरह की भांति भांति के जवाब देता है, दिया है जब इंटरोगेशन के दौरान, एक कोई कंसिस्टेंसी नहीं, इसको इसके ऊपर शक हुआ और फिर घटना का अनावरण हुआ है। रहते थे वादी मुकदमा जानकीपुरम में, रहते थे अपनी माता जी के साथ, नहीं रहते थे।